हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई नो आप बहुत अच्छे हो और ऐसे ही अच्छे रहो। और मेरा नाम है प्रतीक, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं आईफोन SE 2020 का सेटअप। तो क्या प्रोसेस है, क्या क्या ऑप्शंस आएंगे आपको, ये सारे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर देना। तो चलिए सेटअप स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आईफोन SE 2020 का अनबॉक्सिंग किया था, और आज की वीडियो में हम सेटअप करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं सेटअप। फोन को यहाँ पे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। तो फोन हो चुका है हमारा यहाँ पे स्टार्ट, और फोन स्टार्ट होने पे एप्पल का यूजुअली लोगो आ जाएगा। और क्या क्या प्रोसेस है आप वीडियो देखते रहिए पूरा एंड तक, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे सेटअप करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र थे और आप अगर आईफोन पे फर्स्ट टाइम स्विच कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप जो ये है वीडियो चेक कर लीजिएगा एंड तक। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोन स्टार्ट करने के बाद जो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे आता है वो है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश के अभी जो है फ़िलहाल के लिए इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको आएगा वो है सिलेक्ट योर कंट्री और रीजन। तो यहाँ पे आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, अपना रीजन सिलेक्ट किया है, और आगे जो स्टेप आते हैं वो है क्विक स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपका, अगर पहले से ही आप एक आईफोन यूज़र हो तो आपका प्रीवियस आईफोन डिवाइस जो है इसके नज़दीक में लाके आप जो है आपके डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर आप एक नए यूज़र हो तो आपको जो यहाँ पे सेटअप मैन्युअली का ऑप्शन आता है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो है स्पोकन लैंग्वेजेस। तो ये बेसिकली प्रेफर्ड लैंग्वेजेस, कीबोर्ड, डिक्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आपको करना है एक वाईफाई, आपको कनेक्ट करना है, आपका कोई भी नियर बाय वाईफाई होगा तो वो एक कनेक्शन सेटअप कर देना है। तो हम यहाँ पे वाईफाई सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं वाईफाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे हो गया है हमारा वाईफाई कनेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर फोन। तो थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो है सिर्फ अनबॉक्सिंग किया था SE का, और जो एक बेसिक ओवरव्यू देखा था। तो इस वाले वीडियो में हम प्रॉपर सेटअप करेंगे और थोड़ा सा समय देंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। तो हो चुका है प्रोसेस, वाईफाई हमारा कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है डेटा एंड प्राइवेसी। तो इस वाले ऑप्शन में जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिखाया है कि दिस आइकॉन अपीयर्स व्हेन एन एप्पल फीचर आस्क्ड यू टू यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और जो सारी डिटेल्स है। तो ये जो बेसिकली आपका डेटा एंड प्राइवेसी है उसके लिए। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये आपको टच आईडी सेट करने के लिए पूछता है। तो इस वाले वीडियो में मैं टच आईडी जो है वो अभी सेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको टच आईडी सेट करना हो तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको बाद में सेट करना है तो आप बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेटअप टच आईडी लेटर, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं जो है सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जब मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है एक मैसेज आ रहा है, एक पॉपअप आ रहा है, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू यूज टच आईडी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं डोंट यूज करूंगा। तो अभी जो है नेक्स्ट जो स्लाइड आता है उसमें आपको ये पूछता है पासकोड के लिए। तो पासकोड बेसिकली आपके फ़ोन का लॉक होता है, आप जो पैटर्न लॉक रखते हो या फिर यू नो नंबर लॉक रखते हो। तो आपको यहाँ पे एक 4 डिजिट या 6 डिजिट जो है वो पासकोड एक सेट कर देना है। तो पासकोड ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक पासकोड अभी जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, यहाँ पे 6 नंबर्स वो पूछ रहा है, बट आपको अगर नंबर चेंज करने हो जैसे कि 4 नंबर चाहिए हो तो यहाँ पे नीचे पासकोड ऑप्शंस करके आएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं आपको, कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड, कस्टम न्यूमेरिक कोड, 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड, डोंट यूज पासकोड। तो अभी जो है फिलहाल के लिए मैं 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड करता हूँ, या फिर जो 6 डिजिट का था कोड उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो सिंपल यूज़ के लिए मैंने 4 डिजिट यहाँ पे रखा है। अगर आपका पासकोड जो है वो काफ़ी सिंपल होगा या फिर सिंपल होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगा जिस पे लिखा है दिस पासकोड कैन बी इजीली गेस्ड। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये चल जाएगा। तो यूज़ एनीवे पे हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको आपका पासकोड जो है वो री एंटर करना है।
तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लोड हो रहा है, तो आपको वेट करना है प्रॉपरली हर चीज के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे वो है एप्स एंड डेटा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको अगर आपका क्लाउड अकाउंट था मैक के ऊपर या फिर एप्पल के ऊपर, तो एप्पल का आई क्लाउड बैकअप आपका होगा तो वो आप उसमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, रिस्टोर फ्रॉम आई क्लाउड बैकअप। सेकंड ऑप्शन आता है आपको रिस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी। थर्ड ऑप्शन आता है आपको ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन, मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड, ये फोर्थ ऑप्शन है। और लास्ट में ऑप्शन आता है आपको डोंट ट्रांसफर एप्स एंड डेटास। तो अगर कोई भी नया यूज़र है जो फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़ कर रहा है तो आप डोंट ट्रांसफर एप्स एंड डेटा ये लास्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो हम लास्ट वाला ऑप्शन अभी सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अभी ये आपको पूछेगा कि एप्पल आईडी आपका जो है आपको वहाँ पे एंटर करना है। एप्पल आईडी आपके पास अगर होगा तो आप एंटर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यू नो आपने आईफोन लिया है और साइन अप कर रहे हो, तो आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड या फिर डोंट हैव एन एप्पल आईडी उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि फॉरगॉट पासवर्ड और एप्पल आईडी, क्रिएट अ फ्री एप्पल आईडी, सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। तो अभी फिलहाल के लिए जो है मैं सेटअप लेटर इन सेटिंग्स करूँगा, क्योंकि आप बेसिकली पता चल ही जाएगा आपको साइनअप के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। तो सेटअप लेटर इन सेटिंग्स का फिलहाल के लिए मैं है अभी ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। पॉपअप मैसेज आ जाएगा यूज एप्पल आईडी या फिर डोंट यूज, तो अभी फिलहाल के लिए मैं डोंट यूज कर रहा हूँ। तो लोड हो रहा था एंड अभी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिख जाएंगे। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एग्री कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे हमें आता है कीप योर आईफोन अप टू डेट। तो बस इसमें और कुछ है नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या है एंड बस कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आई मैसेज एंड फेस टाइम। तो इसमें बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या है, पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू ऑन ऑल योर डिवाइसेस विद आई मैसेज एंड फेस टाइम यूजिंग योर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो बस ये आप पढ़ सकते हो जो भी उसका मैसेज दिया हुआ है, और आप आगे आपके हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए नॉट नाउ कर रहा हूँ। लोकेशन ये पूछ रहा है लोकेशन सर्विस, तो अभी फिलहाल के लिए मैं एनेबल लोकेशन सर्विस कर दूंगा। सीरी के लिए पूछ रहा है ये, तो सीरी अगर आपको एक्टिवेट करना होगा, जैसे कि यूजुअली हम एंड्रॉयड फोन्स में देखते हैं ओके गूगल या हे गूगल करने पे जो है गूगल का असिस्टेंस ऑन हो जाता है, वैसे एप्पल में सीरी आपको मिल जाएगा, जो कि एक एप्पल की ओर से आने वाला एक इंटेलिजेंट असिस्टेंस है या फिर AI असिस्टेंस है। तो ये यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं बाद में सेट कर दूंगा, अभी कंटिन्यू नहीं करूंगा। आपको आपके हिसाब से आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए जो है सेटअप लेटर इन सेटिंग्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम का ऑप्शन आएगा, तो ये भी मैं बाद में सेटिंग्स में जाके सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको आता है आईफोन एनालिटिक्स। तो इसमें आप जो है एप्पल को आपके जो भी रिलेटेड फ़ोन के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उसकी डिटेल जो है आप एप्पल के साथ शेयर करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प एप्पल इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अलाउविंग एनालिटिक्स ऑफ यूसेज डेटा फ्रॉम योर आईफोन, यू कैन चेंज योर डिसीजन लेटर इन सेटिंग्स। तो ये एप्पल यूजुअली करता है ताकि उनके जो फ्यूचर अपडेट्स हो, ऐप्स हो, वो अच्छे से रन करे। तो कुछ अगर पब्लिक से डेटा वो कलेक्ट करते हैं या फीडबैक कह लीजिए एक सिंपल शब्दों में, तो यहाँ पे शेयर विद एप्पल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है ऐप एनालिटिक्स। तो ऐप एनालिटिक्स में जो भी ऐप के डेवलपर्स होंगे, कुछ भी होगा, तो आप उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्रैश होता है या कोई भी और कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, आपको फीडबैक देना है, तो यहाँ आप डेवलपर के साथ जो है एप्पल थ्रू उन्हें फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पे आप शेयर विद ऐप डेवलपर्स कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपीयरेंस का। तो अपीयरेंस जो है बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लाइट एंड डार्क, ये दो ऑप्शन आते हैं। तो इसमें से आप लाइट थीम चूज कर सकते हो या डार्क थीम चूज कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए लाइट कर देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। डिस्प्ले जूम का नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें आप चेक कर सकते हो जो आइकॉन्स होंगे, जो आपके मेन्यू के आइकॉन्स होंगे, वो आपको नॉर्मल साइज में, स्टैंडर्ड साइज में चाहिए या फिर थोड़े जूम फॉर्म फैक्टर में चाहिए, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस वाले स्लाइड में अगर स्टैंडर्ड वाले स्लाइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आइकॉन्स आएंगे वो थोड़े से छोटे साइज के होंगे, नॉर्मल साइज के होंगे बेसिकली, और जूम वाले में जो होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। तो इतना कुछ इशू नहीं है। आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जूम्ड वाला सिलेक्ट करना है तो आप जूम सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे आपका फाइनल मैसेज आ गया है वेलकम टू आईफोन एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, तो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और ये हो गया है हमारा
जो पूरा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट। तो बेसिकली यही था आज के इस वीडियो में, एक ओवरऑल सेटअप आता है, आप चेक कर सकते हो। अभी आपको कुछ भी अगर चेंज करना हो तो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने सीरी का ऑप्शन लेटर रखा था, एप्पल आईडी का ऑप्शन लेटर रखा था। तो ये हर चीज़ जो है आप उस टाइम पे भी कर सकते हो सेटअप करने के दौरान, या फिर आप पूरा सेटअप कंप्लीट करने के बाद भी सेटिंग्स में जाने के बाद आप आपका एप्पल आईडी क्रिएट कर पाओगे, आप जो है थीम्स चेंज कर पाओगे। जो लाइट से मैंने डार्क जो था, या फिर मैंने लाइट सिलेक्ट किया था, आप डार्क सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप सेटिंग्स में जाके बाद में चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आज के वीडियो में बस ऐसी 2020 का जो है वो सेटअप था। आपको आज का वीडियो जो है अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना सच्चा तो आपको पता है आ जाएंगे, फिर मुझे मत बोल देना। तो बस मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।